जनपद संभल के चंदोसी में ऑल इंडिया उलेमा एवं मशाइक बोर्ड के सदस्यों ने ईद को लेकर ईओ को ज्ञापन सौंपा। ईद का त्यौहार आने वाला है, इसी को देखते हुए जनपद संभल के चंदोसी में ऑल इंडिया उलेमा एवं मशाइक बोर्ड के सदस्यों ने एकत्रित होकर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ईद उल अजहा के त्यौहार पर सफाई व्यवस्था तथा पानी की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की मांग की, जिस पर अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंह ने दो विभागों से बात करके उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही है। नगर पालिका परिषद में यूथ आपको ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज ऑल इंडिया उलमाए मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने ईद के मद्देनज़र, ईद उल अज़हा के मद्देनज़र ईओ साहब को सफाई व्यवस्था और पानी सुचारू रूप से चालू रहे ईद पर इसका ज्ञापन दिया है। उसमें ईओ साहब से मांग की है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार जो है वो 3 दिन का त्यौहार है, उसमें अक्सर जो है वो जो गाड़ी होती है नगर पालिका की वो 11 बजे आती है कूड़ा वगैरह उठाने, तो उसमें ये मांग करी गई है कि सुबह 7 बजे से कर्मचारी जो हैं वो लगा दिए जाएं ताकि सफाई व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चालू रहे। इसके अलावा जारी गेट जो ट्यूबवेल कॉलोनी है उस पर ट्यूबवेल जो है ट्यूबवेल जारी गेट वाला उस पर जो है जनरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि बिजली ना होने की वजह से पानी जो है वो कंटिन्यू आवाम को मिलता रहे। नज़र कुछ व्यापारियों ने आपको एक ज्ञापन दिया है, उसमें क्या मामला था? सफाई व्यवस्था को लेकर जो ओज निकलती है उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है हटवाने के लिए बात आई थी, साथ ही साथ एक नलकूप के लिए ये आया था कि अलग से जनरेटर की व्यवस्था रहे जिससे जो है पानी निर्बाध रूप से मिले उन्हें, तो इसको लेकर मैंने दोनों विभागों से जो है अभी तुरंत का तुरंत